मंदिर ही नहीं और भी कई धार्मिक स्थलों पर चल रहा कई सालों से विवाद। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे यरूशलम में पश्चिमी दीवार, कंबोडिया में प्रिय विहार और जापान में यासुकुनी में धार्मिक विवाद चल रहा है। आइए जानते हैं और विवादों के बारे में। ल्हासा तिब्बत में पोटाला प्लेस। पोटाला प्लेस ल्हासा तिब्बत में स्थित है। इसे बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। वह धार्मिक नेता दलाई लामा कभी यहाँ रहा करते थे। 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया तो दलाई लामा को यहाँ से जान बचाकर भागना पड़ा। फिर चीन ने ल्हासा में धन का निवेश किया और इसे एक संग्रहालय में बदल दिया। चीन सरकार ने इसे पवित्र स्थल को पर्यटन स्थल में बदल दिया। पोटाला प्लेस तिब्बत बौद्ध धर्म व चीन सरकार के बीच जारी संघर्ष का प्रतीक है। 1994 में पोटाला महल विश्व संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में उल्लूरू। ऑस्ट्रेलिया में यह 300 लाख साल पुरानी जगह है जिसे उल्लूरू कहा जाता है। यह महाद्वीप के केंद्र में बाहरी संस्कृति को दर्शाता है। यह जगह स्वदेशी आदिवासियों के लिए इतिहास और अध्यात्मक का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ के दो समूह ने उल्लूरू के दोहरे बंटवारे के लिए समझौते पर बहुत काम किया है, पर अब भी यहाँ के लोगों में इसको लेकर विवाद है। परंपराओं आदिवासी लोगों की स्व पहचान वाले शब्द को संरक्षित करने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में गलत धारणा बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी के दो समूह के बीच इसको लेकर विवाद है। चौथे शताब्दी में ईसाई धर्म में परिवर्तन होने के बाद सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इतिहासकार करेन अमरस्ट्रांग को पुरातात्विक उत्खनन के लिए कहा था। वह यीशु की कब्र तलाश कर रहे थे। कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी मां को साइट पर एक चर्च के निर्माण की देखरेख करने के लिए कहा और यह कार्य शुरू हुआ। मूल रूप से इसे चर्च ऑफ रिसर्जेंस कहा जाता है। 1009 में एक मुस्लिम खलीफा द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में मुस्लिम नेताओं ने ईसाइयों को चर्च के पुनर्निर्माण की अनुमति दे दी।